हाई हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड येस, हाउ वॉज माई 9 to 5, कैसा रहा मेरा दिन, कैसी हुई मेरी पढ़ाई एंड मैंने क्या क्या पढ़ाई की। सो इट वॉज ऑल अबाउट कि मेरा दिन कैसा था एंड आई एम हैप्पी और नॉट। हाँ, ऑब्वियसली बातें, पढ़ाई की है तो मैं सेटिस्फाई हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी, या फिर क्या क्या करना चाहिए था। तो कैसा था दिन वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट मैं बता दूँ कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर CA फाइनल ग्रुप 2 नवंबर 2022 एग्जाम। एंड आज का जो मेरा टारगेट था, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो टारगेट मैंने सिर्फ और सिर्फ IGT रखा था। आज मैंने जानबूझकर कोई भी, मतलब इंटेंशनली कोई सेकंड सब्जेक्ट नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सेकंड सब्जेक्ट कर नहीं पाऊंगी। IGT, जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा वीक है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड थोड़ा मुझे, मतलब मैं IGT करती हूँ तो ना मुझे टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर सेकंड सब्जेक्ट पे शिफ्ट करने से मतलब थोड़ा सा होता नहीं है कि हाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिमोटिवेशन फील होती है, लाइक ऐसा कुछ है। तो आज मैंने IGT ही फोकस किया था एंड मुझे देखना था कि हाँ मुझे कौन सा चैप्टर करना है। तो फिर मैंने सोचा था कि एग्जिबिशन कर लेंगे, क्योंकि कल मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई का जो है वो रिवीजन किया था, मतलब बुक से पढ़ा था, तो मैंने सोचा था वो कर लेंगे। एंड GST रजिस्ट्रेशन जो है वो चैप्टर छोटा है, तो वो 3 चैप्टर मैं कर लूँगी। तो पहले मैंने स्टार्ट किया एग्जिबिशन से एंड जो कि मेरी पढ़ाई है वो स्टार्ट हुई थी 9:25 पे। यस, आई वाज नॉट ऑन द टाइम, 9 बजे मैं शार्प नहीं बैठी थी एंड मेरी पढ़ाई जो थी वो 9:25 पे स्टार्ट हुई। एंड देन मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम एग्जिबिशन। तो एग्जिबिशन में ऑलमोस्ट आई थिंक 30-31 क्वेश्चन थे एंड उसको मैंने किया एग्जिबिशन। एंड एग्जिबिशन वॉज, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा था कि जो मुझे बिल्कुल भी, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन थे एग्जिबिशन के, अगर आपने एग्जिबिशन को रीड किया है तो इजीली आप एलोकेट कर पाओगे कि हाँ ये वाली आपकी सर्विसेज जो है ये एक्टिविटी एग्जिम्ट है या फिर नहीं है, एंड दिस इज GST टैक्सेबल होगा फिर एग्जिम्ट होगा। फॉर्मेट क्या था, बस ऐसा आपने पर्टिकुलर बनाना है, एक टैक्सेबल अमाउंट का बनाना है एंड एक GST की लाइबिलिटी। तो जो भी आप, जैसे रेंटिंग फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दिया हो, तो जो भी अमाउंट आपने टैक्सेबल अमाउंट पर लिखना है। एंड ये क्या होता है, एग्जिम्ट होता है, क्योंकि आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए कोई लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए दे रहे हो तो उस पर GST नहीं लगता। तो लाइक ऐसा फॉर्मेट होगा वो। एंड देन मैंने किया प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, हाँ छोटा चैप्टर है, लेकिन ये है कि सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 2 सेक्शन हैं एंड आपको सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सारी सर्विसेज जितनी भी हैं कि हाँ जो 12 में फॉल कर रही हैं, जो 13 में फॉल कर रही हैं, तो वो पता होना चाहिए। जब आपको याद रहेगा तब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो हाँ ठीक था, मतलब मैंने किया क्वेश्चन, उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 24 क्वेश्चन थे, 24-25 क्वेश्चन ऐसे हैं, नहीं 30 क्वेश्चन है टोटल। तो मैंने 30 क्वेश्चन टोटल किया उसको एंड उसमें 1-2 क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ट्रिकी था एंड काफ़ी बड़ा भी था, तो वो सॉल्व होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन। यस, रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप रजिस्ट्रेशन को एक बार पढ़ लो तो उसमें बहुत सारी डिटेल है, मतलब सेक्शन 22 हो गया, 23 हो गया एंड 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, लाइक ये सारा है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एंड कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर बढ़ जाती है तो, मतलब इतने स्टेट के लिए 20% 20 लाख का लिमिट है, 40 लाख का लिमिट है एंड 10 लाख का लिमिट जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी स्टेट के लिए है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर क्या, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर लिटिल गुड, वो अच्छा था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ये ना कि माइंड का एप्लीकेशन बहुत नहीं होता है एंड बहुत अच्छा चैप्टर था। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे उसमें, 24 ही क्वेश्चन थे, तो 24 क्वेश्चन मैंने किया रजिस्ट्रेशन का एंड इट वॉज माई प्लान। एंड टोटल जो था वो मैंने सिर्फ IGT किया एंड जिसमें से मैंने 3 चैप्टर किए हैं, एग्जिबिशन फ्रॉम GST, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन। तो 3 चैप्टर मैंने कर लिए, 3 को क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मेनली अभी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग बार बार प्रोविजंस को रीड करते हैं और भूल जाते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाते हो एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आप एग्जाम में कर पाओगे। मेरे साथ, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि हाँ मैंने प्रोविजंस जो है वो रीड कर रखे थे बट एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर जाके एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्या है ना, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1 बार तो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रोविजंस, बेयर प्रोविजन रीड करके जाओगे ना तो क्वेश्चन एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाती है, मतलब माइंड जो है वो इतनी जल्दी फिट नहीं करता है, मतलब कि हाँ ये प्रोविज़न यहाँ एप्लीकेबल होगा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। मॉक भी कहते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि हाँ मैं मॉक दे पाऊँ, दिस टाइम आई विल ट्राई कि हाँ मैं कोई मॉक दे पाऊँ IGT के लिए। सो इट वॉज माई डे। तो जैसा भी था दिन मेरा, जिसमें मैंने IGT का 3 चैप्टर किए हैं एंड मैं कहूँगी कि हाँ आई एम लिटिल सेटिस्फाइड, मैं मतलब ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि IGT के चैप्टर्स जो है थोड़े थोड़े कवर हो रहे हैं एंड IGT का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। जब मैंने इंडेक्स पे टिक किया है अभी, तो फिर मुझे लगा कि अभी IGT में इतने सारे चैप्टर्स करने हैं एंड उसके बाद फिर कस्टम
भी करना है. तो जर्नी बहुत लंबी है अभी एंड बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ ITT कर रही हूँ एंड इसके अलावा मैंने DT में अभी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं देख, आपको तो पता ही है कि दिन में सिर्फ मैं ITT कर रही हूँ. DT मैंने 2-3 दिन पहले किया था, उसके बाद से कुछ नहीं उसको टच किया. एंड SEMP में भी ऐसे ही है. तो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है अभी मेरे पास एंड 1 महीने के टाइम पे मैं इसको कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा और स्ट्रेच कर पाऊँ, थोड़ी सी पढ़ाई को और ज़्यादा ब्रशअप कर पाऊँ और फोकस के साथ कर पाऊँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और टाइम बहुत कम है. तो उसी टाइम के फ्रेम में मुझे सिलेबस को भी कंप्लीट करना है. एंड आप लोगों से मोटिवेट होती रहती हूँ, जितने लोग मुझे कमेंट करते हैं उन सबको दिल से बहुत 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 थैंक यू. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.